गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। और कुछ फीडबैक है तो फीडबैक ज़रूर बताइए, टेल मी वॉट एवर पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक यू हैव। सो फॉर कल तो हमने कोई वीडियो बनाया नहीं थी, नो वीडियो हैज बीन मेड यस्टरडे नाइट बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल, बट टुडे मॉर्निंग लाइव में आई हेल्ड विथ माई व्यूज। जैसे बैंक निफ्टी, इफ यू लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी इट वॉज ऑलमोस्ट सेम। बैंक निफ्टी इफ यू लुक एट, देन आई टोल्ड अराउंड 11 o'clock इन द मॉर्निंग के डू नॉट सेल पिक, मतलब बड़ा वाला सेल आप मत करो। 11 कहाँ पे बजे था, यहाँ पे, ये देखो इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं, डिड नॉट गो बिलो दिस एंड आई टोल्ड हियर के यहाँ से अभी बड़ा मैंने ये बाइंग ली थी, सबको पता है चैनल में मैंने डाला भी था ये वाली बाइंग पूरा, ठीक है, बिकॉज आई वॉज वेरी मच श्योर कि यहाँ से नीचे मार्केट नहीं जाएगा और दिन भर ये यहाँ से नीचे गया नहीं। अब चैनल में टाइम मिला सकते हो, मैंने कब बोला था, एंड देन मैंने बोला था बाय करो मत करो बट सेल मत करना, तो बाय का मूड तो था मेरा बट मैंने यहाँ पे बुकिंग कर दी नीचे आया ऐसे टाइम पास किया। आई गेव अप लाइक अराउंड 1 o'clock, 1 बजे तक मैं मार्केट से निकल गया था और मैं सोचा कि आज बाइंग नहीं आएगी, जबकि एफ आई की बाइंग डेटा में दिख रही थी और मैंने बोला था कि एफ आई की बाइंग दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला था सेल मत करना। जिसने यहाँ से बाई लिया उसकी तो बारे न रहे होंगे, ऑलमोस्ट 600 points डेनी हुए, ठीक है, हमारी किस्मत में आती नहीं, बट हमने आज ठीक ठाक, मतलब नॉट ए बैड डे काइंड ऑफ स्टफ बोल सकते हैं, अराउंड 30,000 तो बैंक निफ्टी का खाली था, बाकी क्रूड और ये जो है मिला के डिसेंट वन, ठीक है, नॉट ए बैड वन, ठीक है, चलो वो डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। तो आज का व्यू लाइव में तो परफेक्ट था ही था और मैंने निफ्टी का भी एक यहाँ पे ये ड्रॉ किया था, अगर आप लोग याद हो ना चैनल में अगर देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यहाँ पे ये ब्रेकआउट यहाँ पे किया था, एक बार नीचे आया फिर ब्रेक किया ऊपर निकल गया, ठीक है, दैट वॉज ऑल्सो ओके, बट ठीक है कल का देख लेते, आज का अगर कोई फायदा नहीं है। कल का जो बैंक निफ्टी की जो व्यू है, सो देयर आर टू, कल का पहले आई स्टार्ट फ्रॉम द बैक लेवल्स, है ना, ब्लैक लेवल से चालू करते हैं। बैंक निफ्टी की सपोर्ट साइड में द लेवल्स आर 17,600 एंड 17,500, दिस S1 जो हमारी CPR की जो S1 है 17,500 एंड ब्लैक लेवल 17,600, दिस बोथ टू आर ब्लैक लेवल, से दोनों ब्लैक लेवल है कल, मतलब कल S1 के नीचे बैंक निफ्टी को जाना मुश्किल लग रहा है मेरे को, ठीक है, शायद नहीं जाएगा, एक्सपायरी डेफिनेटली इसके ऊपर है, 17,700 के ऊपर है एक्सपायरी। बाकी अगर लाइव में 11 बजे के बाद कोई डेटा चेंज होता है तो मैं देखता हूँ बोलूँगा, मतलब पिछले 2-3 महीने में 4-5 एक्सपायरी तो मेरे व्यूज़ गलत गए हैं कि मैं लास्ट में वो बहुत गंदा मूवमेंट दे देता है एक बार, बट ठीक है एनीवे कल फिर भी मैं बोलूँगा। बट ब्लैक लेवल यू रिमेंबर बैंक निफ्टी में 17,600 एंड 17,500। बाई चांस बैंक निफ्टी अगर कभी भी इन द एंटायर डे ये लेवल पे आता है ये रेंज पे, तो यहाँ पे आप बाइंग लोगे 17,500 से 600 के रेंज में, आप बाइंग ऊपर की तरफ लोगे, मिनिमम 200 पॉइंट तो लेके जाओ आराम से ऐसे ये वाले मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट तो आपको मिलेगी बिल्कुल, ठीक है, तो वो लेके जाना। सिनारियो वन जो है, अगर हमारी जो हमारी दो सिनारियो रहती है ऊपर नीचे की 9:30-9:45 के अराउंड, अगर 17,400 के नीचे मार्केट चला जाता है जो मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है, तो हम बाइंग में नहीं रहेंगे, सिर्फ सेल करेंगे अप टू S2, यहाँ तक सेल करेंगे आप, ठीक है, ये आएगा नहीं बट सिनारियो रख लो। ये अगर बीच में कहीं एक बार हुआ था ये वाला, जिस दिन बहुत धड़ाम से नीचे गिरा था ना, कोई एक डे में था तो वहाँ पे पूरा नीचे गिरे जा रहा था, ठीक है, तो वो वाला आप देख लेना, सिनेरियोस भूलना मत, बाई चांस अगर ये सिनेरियो हो जाता है तो ले लेना अपर साइड। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी 18,100 के ऊपर कल सस्टेन कर जाता है बिफोर 9:45 तो सेल मत करना 2 घंटे के लिए, फॉर 2 आवर्स डू नॉट सेल, यू कैन टेक ए बाय, और यहाँ पे बाइंग आपको बहुत कम मिलेगी, अराउंड 18,100 से 18,200 हंड्रेड 100-112 पॉइंट्स का
फ्यूचर में बाय मिलेंगी, यहाँ तक गारंटी है, यहाँ टू तक का गारंटी नहीं है, ये 100 पॉइंट्स की गारंटी है। और ब्लैक लेवल, अब क्योंकि ब्लैक लेवल अपर साइड में बैंक निफ्टी के 18,201 पे है एंड अपर साइड द सेकेंड ब्लैक लेवल इज 18,500, तो 200 अगर बाई चांस क्रॉस कर देते, चलो मार्केट बुल रन में है, लोग जैसे बोलते हैं ना, सब लोग बोल रहे कि डेटा में बुल रन है, बुल रन है, बुल रन है, तो मार्केट अगर बुल रन में है और मार्केट ऊपर चला जाता है बाई चांस कभी भी 18,200, फिर सेल मत करना, फिर देन टेक टेक बाय अराउंड 18,400-18,500 के आसपास, क्योंकि ये रेंज से आएगी आप टू कहाँ पे 350 है, हाँ 350 टू 400 की रेंज जो है, या फिर मैक्स टू मैक्स 500 से आपकी एक सेल आ सकती है। तो ये ब्लैक लेवल से याद रखना, ठीक है। सिनारियो सिर्फ सिंपल है, कल के गैप डाउन के मतलब नीचे साइड में दोनों है, बाई सेल है, लेवल बता दिया मैंने, ऊपर साइड में भी बाई सेल है, बट कौन से लेवल पे सेल है, देखो यहाँ पे भी सेल आ सकता है 18,200 पे ही कल सेल आ सकता है, अगर ये फ्लैट ओपन हुआ या इस तरह से ओपन हुआ और ऐसे गया तो यहीं से सेल आ गया, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डेटा के हिसाब से, तोड़ दिया तो अलग बात है, तोड़ दिया फिर सेल मत करना, फिर यहीं से 100 पॉइंट 150 पॉइंट्स की बाइंग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला था 100 की, सिमिलरली ये अगर क्रॉस कर देता है तो अनदर 100-150 पॉइंट्स की बाइंग आप फ्यूचर में लेके जा सकते हो। कल एक चीज़ खाली याद रखना, अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो जाता है R1 के आसपास, लेट से ये एक सिनेरियो एडिशनल में दे रहा हूँ, गैप अप हो जाता है R1 के आसपास, दैट मीन्स 17,950 के आसपास अगर गैप अप हो जाता है, बैंक निफ्टी, ओके, अगर बैंक निफ्टी इधर गैप अप हो जाता है और नीचे आता है बाय चांस, ठीक है, तो आपको एक रिवर्सल पिवट से मिल सकती है। तो 17,750 की एक रेंज आप याद रखना, ठीक है, यहाँ से आपको एक ऊपर साइड की बाइंग मिल सकती है आराम से 200 पॉइंट। ये एडिशनल सिनेरियो एक आप लोग याद रखो, निफ्टी में देखो क्योंकि एक्सपायरी है, तो निफ्टी में ऑलरेडी मेरा रेजिस्टेंस का ये जोन, ये मेरी लो वैल्यू एरिया जोन है, ब्लैक लेवल में दे देता हूँ 8,900-8,950, ये दोनों ब्लैक लेवल है, 8,900 के नीचे मार्केट कल जाना बहुत 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 मुश्किल है, ये शायद यहाँ तक भी ना आए, ठीक है, तो एक बार देख लेना। बट अगर बाई चांस ये जोन में कहीं पे भी आता है, ये पूरी की पूरी जोन मेरी बाइंग जोन है, ठीक है, 8,900 से लेके 950 ये रिवर्सल कहीं पे भी दे सकता है, सपोर्ट से दे सकता है, लो वैल्यू एरिया से दे सकता है, मतलब 18,916 सेम ही है, 18,950 एंड 18,900, ये 50 पॉइंट की रेंज से मेरी बाइंग आएगी, कभी भी आए थोड़ा देखना, जैसे ये नीचे घुस के भी बाइंग दे सकता है, तो ग्रीन सिग्नल अगर बनाता है तो कल एक्सपायरी है तो ब्लाइंडली बाय करना, अगर ये सिनेरियो में आता, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी बोला है, कल अगर गैप डाउन आता है ये या नीचे आता है मार्केट कभी भी ये लेवल्स में, ब्लाइंड बाइंग, ठीक है, सोचने का नहीं है, बाय कर लेना आग मूंग के। दिस इज ऑलरेडी ऑन आवर अपर भाई हाई वैल्यू एरिया में है, तो कल शायद ये नीचे नहीं आ सकते, जैसे मैं बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा सिनेरियो बोल रहा था, इसका सिनेरियो आप याद रख लो, अगर ये गैप अप ओपन होता है और R1 के आसपास से नीचे आता है, जैसे 19,150 और 19,200, ये 19,200 याद रखना, ये सुपर 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लोग बोल रहे हैं कि कल 19,200 उड़ जाएगा, मुझे नहीं लगता कल 19,200 मार्केट उड़ा सकता है, अगर गया भी तो वापस आएगा, तो ये रेंज पे आप सेल ले सकते हो, 19,200 से ही आप आइडियली सेल एक ले सकते हो, 19,200 से सेल लो, ब्लाइंड सेल इधर से, यहाँ से ब्लाइंड सेल है, और एक सेल हमारी 19,150, ये 50 पॉइंट की रेंज में, जैसे ये 50 पॉइंट की रेंज में बाइंग है तो ये 50 पॉइंट की रेंज में सेल है, 19,200 पहुँच गया तो ब्लाइंड सेल, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ब्लाइंड बाय, ये एरिया यहाँ पहुँच गया बाई चांस तो ब्लाइंड सेल कर देना, ठीक है, सोचने का ज़रूरत नहीं है, बट वो तो ठीक है, वो सिनारियो अपर साइड में है, जो सिनारियो मैं आपको दे रहा था, कल अगर रेजिस्टेंस 9,150 से आ रहा है
या बाई चांस यहाँ से आ रहा है 9,100-9,150 के रेंज से आ रहा है और ये नीचे 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 आ रहा है, तो कल बैंक निफ्टी का मैंने पिवट बोला था, कल निफ्टी सब पिवट से रिवर्ट ना दे, यहीं से भी रिवर्ट दे सकता है। सो रिवर्ट जोन है नीचे साइड में, फिर बाइंग का जो जोन है ये वाला है। ये बाइंग तो बहुत बाद में आएगा, ब्लाइंड बाय जो नीचे का है, बीच में आपको एक बाइंग का लेवल है जो ये लेवल है 19,030। हाँ ये बहुत बार हमने बात किया है, 30 है ना, हाँ 19,030 है। ये बहुत बार पिछले दो दिन से हमने ये लेवल की बात करी है, 19,030 आज नहीं मतलब कल शायद नहीं तोड़े अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एक बाइंग आपको 19,030 से 19,015 ये 15 पॉइंट के रेंज से एक बाइंग आप लेके जाओ अप टू 9,100, 70 पॉइंट गारंटेड बाइंग लेके जाना कल, ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्ट करता है तो ये एक्स्ट्रा सिनेरियो है। बाकी जो सिमिलर सिनेरियो मैंने बैंक निफ्टी में बताया, सिमिलर यहाँ पे आपकी निफ्टी में है। निफ्टी अगर 945 से पहले 9,150 के ऊपर खड़ा हो जाता है तो 50 पॉइंट की आप बाई लेना पहले, और यहाँ पे देखना रिजेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है, बट 50 पॉइंट की आप बाइंग फ्यूचर में ले सकते हैं। सिमिलरली ये पॉसिबल नहीं है कल सिनेरियो, बट बाई चांस 945 से पहले 8,870 के नीचे खड़ा हो जाता है तो हम से एक सेल लेंगे इस टू तक, बट दैट इज़ ओके। वो सिनेरियो मोस्टली कल आएगा नहीं, डेटा देख के जो लग रहा है, उससे पहले ये दीवारें 1, 2, 3, 4 चार दीवारें, दो ब्लैक लेवल है, ये वैल्यू एरिया है, सपोर्ट है, ये तोड़ के नीचे मुश्किल है, ठीक है। तो कल यहाँ पे अगर बाई चांस आ जाता है तो बाइंग तो लो ही लो, बट कल आपकी बाइंग है यहाँ से आएगी। बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला है पिवट से बाइंग ले लेना, लेवल भी ऑलरेडी बोला है, इसकी लेवल है 9,030 to 9,015, ये रेंज से आपको एक बाइंग मिलेगी और लेके जाना। मुझे जो लग रहा है कल एक्सपायरी ये लेवल के ऊपर होनी चाहिए, मतलब 9,000 के ऊपर डेफिनेटली एक्सपायरी होनी चाहिए, चाहिए कितना नीचे गिरने की कोशिश करे, अगर नीचे आ भी जाता है तो ऊपर ये यहाँ पे जाके एक्सपायरी देगा। बाकी कल लाइव भी देखते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी लाइव में मैं देखता हूँ कल क्या मदद कर सकता हूँ, और कुछ फीडबैक है तो बता दीजिएगा कमेंट्स में। जय माता दी, थैंक यू वेरी मच।